इस वक्त की एक अहम खबर हरियाणा से। चार निर्दलीय विधायकों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चार निर्दलीय विधायकों को नई जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की एक अहम खबर, निर्दलियों को लेकर बहुत सारे कयास थे लेकिन अब निगमों और बोर्डों के चेयरमैन बनाए गए हैं निर्दलीय विधायक। एक बड़ी खबर इस वक्त की, एक अहम खबर, सोमवीर सांगवान पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। तो निर्दलियों को लेकर कश्मकश की बातें थी। नैनपान रावत हरियाणा भंडागार के निगम के चेयरमैन बने, भंडागार निगम के चेयरमैन बने हैं नैनपाल रावत। रणधीर सिंह गोलक जो कुंडली से विधायक है उनको हरियाणा पर्यटन विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। और धर्मपाल गोंदर हरियाणा वन विकास के चेयरमैन बने हैं। इस वक्त की एक अहम खबर, चार निर्दलीय विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अनिल मोर हमारे वरिष्ठ संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तो खुश हो गए क्या निर्दलीय विधायक इस जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। देखिए, खुश होने का ठीक जवाब तो वो विधायक ही दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से इन चार विधायकों को तो एडजस्ट कर दिया गया, चार विधायकों को चेयरमैन बनाया गया। पहले ये विधायक उम्मीद कर रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन वो उनके सपनों पर उस पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अब सरकार की तरफ से चार विधायकों को निगम और बोर्डों का चेयरमैन बनाया गया। इन विधायकों की बात करें जो दादरी से सोमवीर सांगवान है, उनको हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया। तो नयनपाल रावत जो पृथला से विधायक बने हैं उनको हरियाणा भंडार निगम का चेयरमैन लगाया गया। इसके अलावा पुंडरी से रणधीर गोल को हरियाणा पर्यटन निगम और धर्मपाल गोंदर को हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन लगाया गया। हालांकि दो निर्दलीय विधायक जिनमें बलराज कुंड और राकेश दौलताबाद, उनको फिलहाल चेयरमैन नहीं लगाया गया, लेकिन चार चेयरमैन यहां पर नियुक्त कर दिए। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो निर्दलीय है, क्योंकि पिछले दिनों निर्दलीय थोड़ा नाराज भी दिखे थे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। निर्दलियों को भी उम्मीद थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उस वक्त उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब सरकार ने इन निर्दलियों को खुश करना शुरू कर दिया, एडजस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि विधायक इससे मुझे खुश नहीं लगते। मेरी दो विधायकों से बात हुई थी, उनसे अच्छा। पूछा था कि आपको चेयरमैन बनाया जा रहा, हालांकि उन्होंने नाम में ही जवाब दिया था, खुलकर कुछ नहीं कहा। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधायक ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से विधायकों को एडजस्ट किया गया, चार विधायकों को चेयरमैन लगाया गया। हालांकि जो बलराज कुंडू है, महर्षि निर्दलीय विधायक, उनको लेके जो बातें सामने आ रही है कि बलराज कुंडू की तरफ से खुद मना कर दिया गया, बलराज कुंडू ने खुद सरकार को मना कर दिया कि वो चेयरमैनशिप में इंटरेस्टेड नहीं, मतलब उनका एक तरीके से कि बलराज कुंडू ने एक तरीके से जाहिर कर दिया कि अगर देना है तो मंत्री पद दीजिए, इससे संतुष्ट नहीं होने वाला मैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ना सर, आप यही कह सकते हो, उनका यही कहना है एक तरीके से, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो कुछ अच्छा कीजिए, चेयरमैन मुझे नहीं दीजिए। अगर आप चेयरमैन दे रहे हैं तो उसके बदले में जो मेरे हल्के के विकास के काम है, मेरे हल्के के विकास के कामों पर फोकस कर दीजिए, मुझे चेयरमैन नहीं चाहिए। हालांकि राकेश दौलताबाद को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन चार विधायकों को जिनको एडजस्ट किया गया, चेयरमैन दी गई है, ये चारों विधायक बीजेपी बैकग्राउंड के रहे हैं, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, बीजेपी की टिकट नहीं मिली, चारों ने बगावत की और निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता। अब सरकार कहने की निर्दलियों को भी खुश करने में लगे, क्योंकि एक सामंजस्य, एक संतुलन यहाँ पर मुख्यमंत्री को बैठाना है, क्योंकि सरकार को समर्थन जेजेपी और निर्दलियों का है। जेजेपी की तरफ से एक डिप्टी सीएम है, एक राज्य मंत्री है, वही अब जो चार निर्दलियों को फिलहाल यहाँ पर चेयरमैनी दी गई है। अच्छा अनिल, आपने अभी हम कह रहे थे कि खुश तो नहीं, और आपने भी कहा कि बातें जब हुई दो लोगों से तो वो खुश नहीं है, लेकिन ये जो अभी पहले से ही सरकार ने मन बना लिया था कि इसी तरह से इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, या फिलहाल बहुत सारे कयास लग रहे थे कि इन निर्दलियों की नाराजगियां सामने आ रही हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखते हो कि शायद अभी इससे थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएं। देखिए बिल्कुल, मैं वही बात आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि सबको साथ लेकर चला जाए, एक संतुलन यहाँ पर बैठाया जाए, क्योंकि सरकार को समर्थन जेजेपी का भी है, बीजेपी जेजेपी की सरकार है, निर्दलियों का भी सरकार को समर्थन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चला जाए। जब ये खबर आई थी, सबसे पहले हमारे पास खबर आई थी, तो मैंने दो विधायकों से बातचीत की थी, दो विधायकों से पूछा था कि आपको चेयरमैन बनाया जा रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे, कोई इस फैसले को लेकर कोई खुशी है? तो कहीं ना कहीं विधायकों की तरफ से उस वक्त अनभिज्ञता जाहिर की गई थी, और कहीं ना कहीं कोई खुशी वाली बात उन विधायकों की तरफ से नहीं कही गई थी, लेकिन अब ऑर्डर जारी कर दिया गया, चारों विधायकों को यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया। अब देखना है कि विधायक कितने खुश होते हैं। हालांकि पहले विधायकों के सपने थे कि वो मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, लेकिन वो सपने उस वक्त पूरे नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री ने चार को चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किया है।
बहुत शुक्रिया अनिल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो खबरें अभी तक ने हरियाणा के अपने तमाम दर्शकों को ये खबर दिखाई सबसे पहले कि जो चार निर्दलीय विधायक हैं उनको एडजस्ट किया गया है, इस तरह से उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं नई कि चारों विधायकों को अलग अलग निगमों के चेयरमैन बनाए गए हैं। निगमों और बोर्डों के चेयरमैन उनको बनाए गए हैं निर्दलीय विधायकों को, जिनकी नाराजगियां पहले से ही सामने आ रही थी, जिनके दिल में था मंत्री पद लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवीर सांगवान पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, इस वक्त की एक अहम खबर। नैनपाल रावत हरियाणा भंडागार निगम के चेयरमैन है, भंडारण जो निगम है उसके चेयरमैन बने हैं। इसके अलावा रणधीर सिंह गोलन हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन बनाए गए हैं, और एक और बात, धर्मपाल गोंदर हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन बने हैं बलराज। और फिलहाल मेरे साथ कमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कमल, अभी अनिल से बात हो रही थी कि क्या संतुष्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनका कहना था कि एक दो विधायकों से बात हुई तो उनके रुझान से उनके रुख से लगा कि वो खुश नहीं है, मजा नहीं आया उनको, क्योंकि उनके दिल में तो ख्वाहिश थी कि मंत्री बन जाए। आपको क्या लगता है कि क्या अब चीजें सब कुछ ठीक चलेंगी सरकार में, सरकार के अंदर? देखिए तो भविष्य ही बताएगा कि जो स्थिति है वो आने वाले समय में क्या ठीक तरीके से रहेगी बीजेपी जेडीपी सरकार के लिए। लेकिन इतना जरूर है जैसे कि नासिर आपने भी बताया और अनिल ने भी बताया कि बात करने की कोशिश की गई इन तमाम विधायकों से जिनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इनको चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड के। और देखिए अपने आप में ये होता है, हर सरकार में होता है कि कहने की आप में आप जो असंतुष्ट विधायक होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, और बीजेपी के विधायक भी आने वाले समय में एडजस्ट किए जाएंगे, चाहे महिपाल ढांडा हो जो अब वरिष्ठ बीजेपी विधायक कहलाते हैं क्योंकि दो बार वो जीत कर आए हैं, और भी ऐसे बीजेपी के भी विधायक हैं जो वरिष्ठतम श्रेणी में आते हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन चिंता उनकी बाद में होगी, पहले इनकी थी। ये जानते हैं आप भी और दर्शक भी हमारे जानते ही होंगे कि जब रणजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो उनकी तो नाराजगी जाहिर तौर पर दूर हो गई। आने वाले 5 साल के लिए वो तो कुछ बोलने वाले नहीं है, लेकिन बाकी जो निर्दलीय विधायक और रणजीत सिंह का हवाला देकर भी इन लोगों ने बात की थी मुख्यमंत्री से कि वो तो हम तो पार्टी से जुड़े रहे हैं तो हमें क्यों नहीं आप कोई पद देते हैं, वो निर्दलीय विधायक थे, उनको आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इस तरह की बातें आई। बिल्कुल नासिर, देखिए सबसे पहले तो यही जो विधायक हैं जो कि बीजेपी में रहे कभी और फिर नाराज हुए, इनमें अगर रणधीर गोलन का मैं नाम लूं एक एग्जांपल के तौर पर आप लीजिए, और आप बेहतर जानते हैं कि उन्होंने तुरंत कहा था कि हम बीजेपी के साथ, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं और बिना शर्त के दे रहे हैं, हम सरकार में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार चाहते भी हैं, उनको टिकट नहीं मिला था और उसके बाद उनको उम्मीद थी पूरी पूरी। जब दिल्ली में ये जब राजनीतिक ड्रामा चल रहा था और वहां पर जो निर्दलीय विधायक है वो बुलाए गए थे कि आप आइए और समर्थन दीजिए हमारी सरकार को, हम आप पर विश्वास करते हैं, आप भी भरोसा हम पर कीजिए, और आने वाले समय में उनको भी उम्मीद होगी निर्दलीय विधायकों को कि शायद इनको मंत्री पद मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, जेडीपी बीजेपी की सरकार बनी और जो मौज हुई है वो दुष्यंत चौटाला की हुई है और रणजीत सिंह की हुई है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है वो देखते देखते रह गए, अब उनको आस ये थी कि अब क्या होगा, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं लगती, लेकिन इतना जरूर है कि मंशा इस सरकार की रही होगी कि इनको कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जा सके। बिल्कुल कमल जी, कमल बहुत शुक्रिया, कमल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।